हाय फ्रेंड, जय माता दी। और मेरे यूट्यूब चैनल पूजा सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो रोज स्टार्ट हो रहा है ब्लॉग सभी शाम से, और शाम से लेके और सुबह तक का ब्लॉग्स मैं रोज एडिट कर रही हूँ और दोपहर को मैं अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग्स स्टार्ट हो गया। और अभी मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ शाम को अभी आरती करने के लिए। तो यहाँ आरती का थाल भी सज गया है, आरती का बुक भी मैंने ऐसे रख दिया है, क्योंकि बुक सामने रहने से क्या है कि मतलब याद है आरती, लेकिन कुछ कुछ मैं भूल जाती हूँ। जैसे कहीं ध्यान इधर उधर बच्चों की तरफ चला गया तो फिर इधर उधर हो जाता है, तो ऐसे मैं बुक के रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे थाली भी सजा दी हूँ। फिर ये बाहर का दीपक है, और एक शिव मंदिर का और एक मनसा माँ का मंदिर का दीपक है, तो वो भी मैं थाली में ही करके ले जाऊंगी। और यहाँ माता रानी का भोग भी लग गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ आरती पहले अंदर और उसके बाद करूंगी बाहर, क्योंकि बाहर हम लोग सबको अंदर अपने घर घर में कर लेते हैं और उसके बाद सब लोग एकत्रित होते हैं। तो एक जगह बाहर सबको मिल के इस मंदिर में, मतलब मनसा माँ के मंदिर में, उसके बाद बाहर शिव मंदिर में, दोनों मंदिर में हम लोग साथ में करते हैं। उसके बाद भजन गाते हैं, तो 7 बजे तक यही काम है। अभी भजन होगा, 5:30 होने वाला है, तो बस 7 बज जाता है हमारा, उसके बाद घर आते हैं लोग। तो बहुत अच्छा लगता है दशहरा में पूजा वगैरह करना, भजन करना बहुत अच्छा लगता है, सब कोई मिल के करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट कर दी। मैं सोची चलो आरती करती हूँ, करने में भी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा और दिन है। तो बाहर में दिखाती हूँ आप लोग को, थोड़ा सा भी लाइट है, तो मैं तैयार हो गई थी। मैं सोची चलो देख रहे हैं आप लोग भी लाइट है, तो थोड़ा बस थोड़ा देर टाइम है, बच्चे लोग भी बाहर खेल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग्स में आप लोग लगातार बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हो चुका है रात और डिनर में मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और 7 बजे तक भजन वगैरह करते हैं लोग, फिर अंदर आके बच्चे लोगों को नाश्ता करा दी मैंने, और उसके बाद मैं लग गई हूँ डिनर में। तो यहाँ डिनर में मेरा नेनुआ बनते हैं हम लोग को, तो नेनुआ का सब्जी बना रही हूँ, नमक हल्दी डाल के ही सादा ही सब्जी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। तो बस इसको नेनुआ का सब्जी बनाने में, बस नेनुआ को काटने में जितना टाइम लग जाए एक्चुअली, बट उसको बनाने में बस उसको ढक दीजिए, ढकते ढकते पक जाता है, पता नहीं चलता है। तो बस मेरा काटने वाला काम हो गया है, और बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 दिन हो गया था नेनुआ, तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। तो नेनुआ ऐसा चीज़ है कि उसको ताज़ा ही बनाइए, ज़्यादा बेटर रहता है, फिर रख देने के बाद नरम हो जाता है। तो शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट है, तो बस रात को ये नेनुआ का सब्जी इधर बना रही हूँ, और एक तरफ मैं दूध गर्म करती हूँ, पहले ही बताई हूँ, तो दूध और सब्जी मेरा बन रहा है। उसके बाद मैं सानूंगी आटा और लग जाऊंगी रोटी बनाने में, सबसे बड़ा काम है रोटी बनाना। तो अभी नेनुआ जब तक ये पानी नहीं मतलब आ जाता है नेनुआ से, तब तक उसको थोड़ा सा कराना पड़ता है, जब भी हमें देखते हैं कि पानी आने लगा नमक हल्दी डालने के बाद, तो फिर उसको ढकते छोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पकता रहेगा। तो बस नीम नाच कर देना है और उसको पकने देना है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है, तब तक मैं आटा भी गूंथ लूँगी, तो दूध भी मेरा हो जाएगा। तो एक तरफ मैं रोटी बनाऊंगी, तब तक सब्जी बनते ही रहेगा, मेरा रोटी भी बन जाएगा, तब तक वो नेनुआ का सब्जी बनते रहेगा लगातार। तो बस बच्चे लोग के लिए यहाँ पनीर का टिक्की बनाई थी, तो वो लोग खा लिए हैं और एक ही बचा है, क्योंकि पनीर का सब्जी मैं सोची बनाऊंगी, फिर सोची चलो कल बना दूंगी, थोड़ा सा पनीर उसमें आया है तो उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के और इन लोग के लिए पनीर टिक्की बना दी, ताकि थोड़ा सा खा लेंगे, टेस्ट अलग लगेगा। तो नाश्ता वगैरह हो गया, क्योंकि अभी दशहरा का टाइम, बहुत जल्दी सब काम करना पड़ता है, फिर जल्दी सोएंगे, फिर जल्दी उठना, फिर पूजा पाठ, कल सप्तमी है, तो ये वाला ब्लॉग्स आप लोग को कल ही मिल जाएगा, सप्तमी के दिन ही। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग्स में लगातार आप लोग बने रहिए। तो शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ, आप लोगों को ब्लॉग्स कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और देखती हूँ डेली पहले आटा गूंथ लूँ, उसके बाद आप लोग समय। तो बच्चे लोग टीवी देखने में लगे हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। हो चुका है सुबह, तो अभी ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अभी आज सुबह हो चुका है और मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है, नाश्ता भी हमारा हो चुका है, उसके बाद ही मोबाइल पकड़ने का टाइम मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, मैंने आरव को लिखने के लिए दिया है, तो वो टीवी देख रहा है और लिख रहा है, दोनों एक ही साथ काम हो रहा है। ये मैं बोली चलो एक पेज लिख लो, फिर शाम को, आज से ही मेला स्टार्ट हो जाता है, तो आज से बस मेला वाला ब्लॉग्स में आप लोग लगातार बने रहिए, क्योंकि आज भी मेला, कल भी मेला, लगातार अभी जाना है, यहाँ मंडप हम लोग के पास ही है। हो गया, तो चलो, तो मंडप हम लोग के पास ही है,
तो वहीं पे हम लोग कल अष्टमी के लिए पुष्पांजलि के लिए जाते हैं, फिर थाली सजा के जाते हैं, पूजा वगैरह सब कुछ होता है। तो ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा आगे इंटरेस्टिंग आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और देखिए और ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए। तो नाश्ता वगैरह हो गया, आज मैंने नाश्ता में आलू और टमाटर का सब्जी बनाया था, और काफ़ी दिन बाद मैंने आलू टमाटर का सब्जी बनाया था, बड़ा मस्त बना था, बहुत टेस्टी लगा। काफ़ी मतलब कुछ मिक्स ही कर देती आलू को, सिर्फ आलू तो बहुत टाइम बाद ही बनाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। आ रही हूँ तो आराध्या मुझे बुला रही है, तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग्स में आप लोग लगातार बने रहिए। फाइनली बच्चे लोग नहा लिए हैं और लगभग मेरा लंच भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए आराध्या नहा के और उसके बाद क्या लेके आई है बाहर जाके, क्या लाई हो? तकली। तकली? तकली नहीं बेटी। हाय फ्रेंड्स। लकड़ी है वो। अच्छा तकली है तो बालकनी में खेली है, पूरा गंदा लेके आप अंदर आ गई हैं। तो आराध्या बारिश होने लगा बाहर, अभी खेल रही थी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए कितना बारिश आ गया। तो मैं पहले भी बताई हूँ दशहरा में बारिश आता है तो अच्छा नहीं लगता है, पर क्या किया जाए, बारिश किसी के बस का है नहीं, बारिश होते ही रहता है। तो अभी आज दोपहर से ही बारिश स्टार्ट हो गया, देखिए बारिश ख़त्म होता है या नहीं, क्योंकि हम लोग का शाम में मेला है, फिर कल भी मेला है, लगातार अभी दो तीन दिन मेला ही रहता है, तो देखिए क्या होता है, बारिश ख़त्म होता है कि नहीं। और यहाँ देखिए आराध्या पूरा लकड़ी लेके और बिस्तर पे मैं ही बैठो आराध्या, नीचे जाके खेलो, जाओ बालकनी में खेलो। तो पूरा बाहर गई थी खेलने, तब तक बारिश आ गया, तो पूरा क्या लेके आई हो आराध्या? तकली लेके आ गई हो। तकली बोले इसे क्या बनाओगी? खाना बनाओगी? लकड़ी का खाना कौन खाएगा? भैया और तुम्मी, मतलब मैं खाऊंगी। तो आराध्या बाहर खेल रही थी तब तक बारिश आ गया, तो जितना लकड़ी इसके हाथ में समेटाया है, छोटा छोटा लकड़ी को तोड़ के बैठ के खेल रही थी। तो मैं भी कभी कभी छोड़ देती हूँ कि चलो बच्चे लोग जैसे खेल रहे हैं तो अदर खेल ले। तो जितना लकड़ी इसके हाथ में समेटा गया उतना लकड़ी इसने ले लिया है, और लेके आराध्या घर में नहीं गिराओ तो क्या करूं, घर बहुत ज़्यादा ही लोग गंदा भी करते हैं, लेकिन फिर मैं बार बार क्लीनिंग करते रहती हूँ, फिर अभी खेल लेगी तो फिर साफ कर दूंगी, कोई नहीं, बच्चे छोटे हैं तब तक बहुत ज़्यादा यही सब ज़्यादा मेहनत है, एक्स्ट्रा काम मेरा यही सब हो जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा। हाँ तकली का खाना, लकड़ी का खाना है ना। ओले बोले हाय फ्रेंड्स, बोली जय माता दी, बोलो जय माता दी। तो आराध्या बहुत ज्यादा फॉर्म में है, तो मैंने लंच वगैरह रेडी कर दिया है, तो मैं भी डेली का डेली ब्लॉग शूट कर रही हूँ, डेली का डेली अपलोड कर रही हूँ। तो बस चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग्स आप लोग को आज ही मिल जाएगा अभी ही, और कल से हम सुबह से शाम से मेला वाला ब्लॉग शूट करूंगी। तो देखिए बारिश का, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, स्टार्ट हो गया है, कैसे हम लोग मेला जाते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा अगले ब्लॉग्स में। तो चलिए ये वाला ब्लॉग्स मैं एडिट कर देती हूँ, कि सिर्फ मेरा चावल बाकी है, बाकी सब कुछ मैंने खाना वगैरह बना लिया है। तो बारिश होने लगा तो कपड़ा वगैरह सब उठाने में थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से चावल में थोड़ा लेट हो गया, कपड़े में तुरंत फैलाई थी और तुरंत ही बारिश आ गया, तो बस सब अब अंदर ही इधर उधर करके फैला दूंगी पंखे में, क्या किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग्स यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ, कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग्स में नए एनर्जी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, माता रानी अब सभी की मनोकामना पूरा करे, और कल है अष्टमी तो कल हमारा फास्टिंग भी होगा, तो चलिए कल नए ब्लॉग्स में मिलती हूँ, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पहली बार आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है मेरा ब्लॉग, ज़्यादा कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कल फिर मिलती हूँ, जय माता दी।